क्या देख रहे हो? अपनी गाड़ी देख रहा था। तेरे मम्मी को मैं घुमाया करता था इंडिका में। मैंने 60,000 रुपये 60,000 रुपीज की एक सेकेंड हैंड इंडिका खरीदी थी। तब मैं वो इंडिका में बैठ के मैंने सोचा था कि अगर मेरी कभी बड़ी गाड़ी रही, कभी हुई मेरी बड़ी गाड़ी, तब सोचा था मैंने। बहुत साल लग गए। देख आज अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। आज मेरे लिए और मेरी पूरी फैमिली के लिए बहुत खुशी का दिन है। इस खुशी के दिन के लिए हम कितने महीनों से इंतजार कर रहे थे। फाइनली आखिरकार आज का वो दिन आ ही गया। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा मुझे आज का ये स्पेशल दिन दिखाने के लिए। बस हे भगवान, आज के दिन में ना कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। पापा ये क्या है, आज हमारे लिए इतना बड़ा दिन है, इतना स्पेशल दिन है, कम से कम आज तो नए कपड़े पहन लो जो उस दिन लिए थे हमने मॉल में से। चीकू तू ही बोल दे पापा को कुछ। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। अरे क्या पापा, 25 लाख की गाड़ी ले रहे हो, वही पुराने कपड़े पहन के बैठे। आज है ना मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है, तो मैं ना एकदम अच्छे से तैयार होने वाली हूँ। अभी मैं लगा रही हूँ नेल पेंट। वैसे ये नेल पेंट का कलर कैसे है बताओ? ऑफ कोर्स आज इतना स्पेशल डे है तो मम्मी का मेकअप तो मैं ही करूंगी, और वैसे भी मम्मी कहीं बाहर जाती है तो मैं ही मम्मी का मेकअप करती हूँ, क्योंकि है ना मम्मी को मेरे हाथ का मेकअप है ना बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, मम्मी का जो आउटफिट है ना वो इतना सुपर और इतना कूल है ना, जैसे ही मम्मी का मेकअप हो जाता है ना तो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? जब मेकअप स्टार्ट किया तो टाइम भी बताना चाहिए था ना कि अभी 11 बज गए हैं, और अभी का भी टाइम बता दो कि अभी 1:30 बज गया है ना। वैसे बताओ मम्मी का मेकअप कैसे लग रहा है? हाँ ये रह गया बाकी अभी। क्या हो गया पापा, क्या बोल रहे हो? अरे कितने वो अभी शोरूम से फोन आया था, वो बोल रहे कि पोस्टपोन करते क्या और नहीं ना, अभी इतना अच्छे से रेडी हो गए, आज का मुहूर्त निकाल के रखा है बाबा ने। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने आज का ही करने का मुहूर्त सब तैयारी कर लिया। हाँ तो फिर मैं तुमको फोन करता, तुम मामा के साथ में अपने गाड़ी में आ जाओ, मैं टू व्हीलर पे जा रहा हूँ। सो पापा चले गए और मैं रेडी हो गई हूँ और मम्मी भी रेडी हो गई है, और देखो मम्मी ने इतना मस्त ड्रेस पहना है, मम्मी कितनी मस्त लग रही है। तो हम कब से पापा का वेट कर रहे हैं, पापा को है ना मैं एक बार कॉल लगा लेती हूँ और उसको पूछती हूँ कि कितना टाइम है, कब आना है हमें, ठीक है मम्मी? अरे आ जाएंगे गाड़ी आज, उसमें कोई घाई है क्या? इनको तो हर चीज में घाई रहती। पापा आ गए। पापा क्या हुआ? आज वो तो बोल रहे थे कि डिलीवरी पोस्टपोन करो, कल की करो। कल? हाँ, फिर आपने क्या बोला? आज का हमारे बाबा ने आज का मुहूर्त निकाल के रखे वाला है। हाँ। तो आज की डेट पोस्टपोन नहीं हो सकती, डिलीवरी तो आज ही मांगता है ये। चलो आज तो हो रहा है ना, अच्छा हुआ पोस्टपोन नहीं होगा। नहीं 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 शाम को करेंगे। और देखो चॉप अभी है ना हमारे साथ ही रह रहा है। ए चॉप, अबे रुक, हमको है ना चॉप को उधर छोड़ के हमारा मन ही नहीं लग रहा था, इसीलिए हम वापस लेके आ गए उसको। पापा सुनो ना, आपकी गले में की चैन दो ना। आपके लिए नहीं ले लेंगे, देखो अभी ठीक है। हाँ अच्छा, हम जा रहे हैं गाड़ी लेने के लिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हाय मम्मी पापा, अभी जाते टाइम हम ये वाली गाड़ी में जा रहे हैं, लेकिन आते टाइम हम बड़े वाले MG में आएंगे। ये है ना बच्चे, कितना मस्त मजा आएगा फिर। पर ये कार कौन लाएगा? ये मामा लाएगा ना इसको। मामा लेके आएगा, मैं ना सनरूफ से ऐसे ऊपर आऊंगी। सो अभी हम आए फूल मार्केट, यहाँ से ना हमारी न्यू कार के लिए बड़ा सा हार लेने वाले हैं।
बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। गाड़ी के लिए चाहिए। गाड़ी के लिए? हाँ हाँ। तो हमने ना ये वाला हार लिया है। कितनी मस्त स्मेल आ रही है ना मम्मी यहाँ पे। पापा ठीक है ना? ठीक है, कर दो पैक। आ गए हम लोग एमजी के शोरूम। ये देखो ये फोटो में पापा सिर्फ एकदम मस्त और हैंडसम लग रहे हैं और हम दोनों देखो कैसे दिख रहे हैं। मेरे को तो दिखो, मम्मी तो भी ठीक है, मेरे को दिखो। मेरे को पापा से बात करनी पड़ेगी। पापा फैमिली फोटो ऐसे क्यों लगा है जिसमें आप ही एकदम हैंडसम लग रहे हैं? फोटो था मेरे मोबाइल में, तो मैं वो इंस्टाग्राम पे था मेरे वो फोटो, मैंने उसको क्रॉप करके वही भेज दिया उनको। सो गाड़ी आने के लिए अभी टाइम है, इसीलिए ना हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। सोचा था कि अगर मेरी कभी बड़ी गाड़ी रही, बहुत साल लग गए। आज अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। कुछ आप यहाँ बैठो, तेरे लिए भी डोर खोलेंगे, आ जा। जय माता दी, जय श्री राम। बहुत खुश, बहुत खुश तू? मैं भी बहुत खुश हूँ। फाइनली कितना भारी लग रहा है, ऐसे लग रहा है कितना विमान में बैठे हैं। वाओ मम्मी इधर देखो। वाओ ये हम आए थे छोटी सी गाड़ी में, अभी जा रहे हैं बड़ी वाली गाड़ी में। ये थैंक यू सो मच पापा। सो अभी हम आए यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर, यहाँ पे ना मेरे दादाजी पहले से वेट कर रहे थे यहाँ पे, और एक बार गाड़ी की पूजा करनी है। तो देखो दादाजी आ गए। बिकरा के सामने का रोड। और दादी चांगले विजय हो दे। थैंक यू, चल तू भी दे। नहीं Oh, oh, oh.
अपनी गाड़ी देख रहा था। बहुत साल लग गए। पापा के पास पे सबसे पहले थी साइकिल, फिर उसके बाद में आई लूना, और फिर उसके बाद में आई स्प्लेंडर, और फिर आई इंडिका, और उसके बाद में अमेज, और अब ये वाली गाड़ी। अभी आगे मैं पापा को गाड़ी नहीं लेने दूंगी, क्योंकि इसके बाद में गाड़ी मैं ही लूंगी पापा के लिए, और हाँ इससे बड़ी वाली गाड़ी लूंगी। सो आज का हमारे स्पेशल दिन आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताओ। आपके लाइफ में भी ऐसे स्पेशल दिन आए होंगे, और आगे ऐसे स्पेशल दिन आपके लाइफ में आते रहे यही मेरी कामना है। और हाँ, कल हम जा रहे हैं हमारी न्यू वाली कार में पूना घूमने के लिए, तो आप एक्साइटेड हो मेरे पूना व्लॉग्स के लिए? रेडी रहना, पूना मैं आ रही हूँ। और हाँ, कल सुबह सुबह हम पूना के लिए निकलने वाले हैं। सो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ढेर सारे लाइक कर दो, रेड वाला बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि पूना के बहुत ही मजेदार व्लॉग्स आने वाले हैं। बाय, मिलते हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।